हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सर। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बातें होंगी डर की, फोबिया की। डर, हाँ बिल्कुल, ये फिजिक्स से तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स से ही कुछ कोरिलेट किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बात आपसे शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन से, उसका जवाब आप सोचना खुद के मन में, बताना उसका जवाब क्या होगा। सोचो, यदि कोरोना खत्म होने के बाद भी यदि हमको मास्क लगाना पड़े तो क्या वो अच्छा होगा, जरूरी होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। आज के टाइम में लोगों को किसी न किसी चीज का फोबिया है। किसी को अंधेरे का फोबिया, किसी को पानी का फोबिया, किसी को तैरने का फोबिया, किसी को गहराई का फोबिया, किसी को ऊंचाई का फोबिया और किसी को पढ़ाई का फोबिया। ये पढ़ाई का फोबिया, एग्जाम फोबिया इस समय, इस कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। यूँ कह लिया जाए तो कोरोना ने इस टाइम तो कम परेशान किया है, लेकिन ये एग्जाम फोबिया ने ज़्यादा परेशान कर रखा है आज के यूथ को, यंगस्टर को, खासकर स्कूल के बच्चों को। क्यों हम एग्जाम से डर रहे हैं, क्यों हम नहीं चाह रहे कि एग्जाम ना दें? बहुत तेजी से ट्विटर पे, इंस्टा पे एक हैशटैग फॉलो हो रहा है, कैंसिल बोर्ड एग्जाम, कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। मेरा सीधा से कटाक्ष है आप पे, क्या एग्जाम को कैंसिल कर आपको प्रमोट कर आप अपने आप को जान लोगे आप कितने अच्छे हो? मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो हम एग्जाम दें, लेकिन गवर्नमेंट भी कह रही है कि जब केसेस नॉर्मल होंगे, कंडीशन नॉर्मल होंगी, तब हम एग्जाम कराएंगे, तब एग्जाम कराएंगे, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। तो क्यों नहीं हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं? बात यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, यहाँ बात आपके फ्यूचर की है। एग्जाम दे के ही आप आगे अपने आप को पहचान पाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, कोरोना आया हुआ है 19 में, 2019 में स्टार्ट हुई थी, कहाँ से? चाइना से। इसे वैक्सीन को बनने में जो कभी तक 100% एक्टिव या इफेक्टिव नहीं है, कह लो तो आप अभी भी 100% इफेक्टिव नहीं है कि वैक्सीन लगने पर कोरोना केसेस कम हो जा रहे हैं, ये अभी इफेक्टिव नहीं है। उस वैक्सीन को बनने पर आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, तब वैक्सीन को बनने में 5-6 ट्रायल करने पड़े, तब जाके वैक्सीन जो है कहीं जाकर आज 90% इफेक्टिव है, कहीं 94% 95% इफेक्टिव है। मींस अभी भी आप वैक्सीन लगने के बाद देख रहे हो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो सोचो, एक वैक्सीन को इतने ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है, यदि वो डॉक्टर भी चाहते तो वैक्सीन को केवल एक राउंड ही ट्रायल करके उसको वो लॉन्च कर देते, सोचो वो कितना बड़ा रिस्क होता लाइफ में। तो जब एक वैक्सीन को लोगों के लाइफ से खिलवाड़ न करने के लिए इतनी बार उसको ट्रायल करना पड़ता है, इतनी बार उसको एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि पता है कि बिना टेस्ट दिए, बिना ट्रायल किए यदि उसको आज उतार दिया गया मार्केट में, तो कितने लोगों की लाइफ से खिलवाड़ होगा। सेम हाल आपके एग्जाम में है, यदि आप आज एग्जाम कैंसिल करने कह रहे हो, उसके पीछे एक ही रीजन है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है। यदि आज आपको प्रमोट कर दिया गया, चलो मैं मानता हूँ आपको प्रमोट कर दिया गया, सोचो कल को आप नीट करोगे, डॉक्टर बनोगे, आईटी करोगे, इंजीनियर बनोगे, यूपीएससी में जाओगे, आईएएस आईपीएस करोगे। सोचो आपको हर साल इसी तरह प्रमोट करता जाए, खुदा ना खास्ता इस तरह कोरोना आता चला जाए, प्रमोट करता चला जाए, तो 5 साल के डॉक्टर की डिग्री में आप ये 4 साल प्रमोट ही हो गए, और फाइनल ईयर में आपने एग्जाम दिया और आपको अचानक से उतार दिया गया हॉस्पिटल में, चलो आप क्या करो, सर्जरी करो। तो सोचो उस टाइम वो डॉक्टर की हालत क्या होगी, सोचो उस टाइम उस इंजीनियर की हालत क्या होगी जो 3 साल लगातार प्रमोट हुआ है, 4th साल उसने एग्जाम दिया और वो सॉफ्टवेयर पर बैठ गया या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में आ गया, उससे कह दिया गया आप अप्लाई करो, सोचो उसकी हालत क्या होगी। क्यों? उसके मन में फोबिया, डर जरूर रहेगा, क्योंकि उसने चीजों को सीखा नहीं है, उसने चीजों को जाना नहीं है। तो जब तक आप चीजों को जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, एग्जाम से डरोगे,
मन में एक शंका जरूर रहेगी आपके। डर है, अच्छी बात है, कोरोना से डर है, होना भी चाहिए। गवर्नमेंट कह भी रही है हम एग्जाम कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आपका यदि ये 12th क्लास जो होता है, ये स्कूल लाइफ का एक सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, इसके बाद आप कॉलेज में जाओगे। यानी हमने इसको न लिया तो आगे वाले आने वाले टाइम में आप खुद परेशानी से झेलोगे। गवर्नमेंट ने कहा है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, मैं भी करता हूँ, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम ना हो, कैंसिल हो जाए, इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूँ। एग्जाम जरूर हो, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हो, बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल हो, यदि एक पत्थर डरेगा कि उस पर हथौड़ा ना चले, एक पत्थर डरेगा कि उस पर हथौड़ा ना चले, सोचो क्या वो मूर्ति बन पाएगी? सोचो क्या वो मूर्ति बन पाएगी? मेरे हिसाब से मूर्ति नहीं बन पाएगी। एक लोहे का रॉड यदि वो आग में जाने से डरे, तो सोचो वो कोई इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा लोहे का, जस्ट लाइक त्रिशूल बन पाएगा? यदि उस पर हथौड़े नहीं बरसेंगे, उस पर प्रहार नहीं होगा, उस ट्रायल से नहीं गुजरेगा, क्या वो इफेक्टिव चीज बन पाएगा? मेरा भी आंसर होगा नहीं, और आपका आंसर भी होगा नहीं। जब उस पत्थर को, इस निर्जीव को, उस लोहे को, उस निर्जीव को इतने सारे एग्जाम देने पड़ रहे हैं, ट्रायल देने पड़ रहे हैं, तब जाके उसकी सुंदरता सामने आ रही है, हो रहा है सोना गोल्ड, जो कि नेचर में मिलता है, किस रूप में मिलता है आप देखे होगे, लेकिन जब पहनते हो किस किस फॉर्म में बनता है, सोचो यदि वो आग में ना गले, यदि वो हथौड़े की मार से डरे, क्या वो ज्वेलरी बन पाएगी? आई थिंक आपका जवाब भी नहीं होगा, मेरा जवाब भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप हमेशा उन बातों को प्रमोट करो, उनका सपोर्ट करो जो लाइफ में आपके लिए आगे अच्छी हों, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। सोचो कोरोना अकेला आया था चीन में, आज कोरोना ने कितनी फैन फॉलोइंग बना ली है। फैन फॉलोइंग बनाने के लिए क्या है, इतना ज्यादा उससे लोग लापरवाह लोग मिलते चले गए, उसने अपनी एक ग्रुप बना ली और आज पूरे वो वर्ल्ड में फैली हुई है, स्टार्ट हुई चाइना से। वो केवल एक पेशेंट था, आज देखो उसने इतने ज्यादा लापरवाह लोगों को पकड़ा, आवाज देखो वो कहां से कहां फैल चुका है। यही चीज है, आज कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो केवल जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, तो डर लगता है, नहीं एग्जाम देने से पता है उनको, उनको रिजल्ट से पहले रिजल्ट पता है कि नहीं हम आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो वो ही क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, इसमें उन वो बच्चे भी आ जा रहे हैं जिनकी तैयारी फुल है। जिनकी तैयारी अच्छी है वो कभी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल करो, कभी नहीं कहेंगे, ना कहेंगे वो, क्यों? उनको पता है उनको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिशन देने हैं। वो तभी होगा जब वो अपने आप को परखेंगे कि आज एग्जाम देंगे हम, तो हम जानेंगे अभी हम कहाँ पीछे हैं। यदि एग्जाम मैंने नहीं दिया तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अपने आप को बेस्ट मानूंगा, क्योंकि मैंने पता है मैंने एग्जाम दिया नहीं है, तो मैं अपने आप को बेस्ट मान के चलूंगा। एग्जाम कराना और एग्जाम देना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट कह रही है इसको सपोर्ट कीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ एग्जाम होंगे। एग्जाम करता हूँ और आप अपने पर विश्वास रखो, आप एग्जाम होने पर अपना बेस्ट दोगे, एग्जाम ना होने के केस में आप बहुत कुछ खो दोगे, लेकिन एग्जाम होगा तो आप बहुत कुछ पाओगे, उसका आप असर देखोगे आप अपने फ्यूचर में, कि हाँ एक बात कहोगे जरूर कि हाँ आपने बहुत कुछ सीखा। एग्जाम देने से पत्थर डर जाएगा, अगर वो हथौड़ी के मार से डर जाएगा, वो लोहा डर जाएगा, वो सोना डर जाएगा, तो वो चीज़ें वो नहीं बन पाएगी, वो कभी नहीं बन पाएगा। तो बातें ये हैं, यदि आपको सपोर्ट भी करना है, हैशटैग ट्विटर इंस्टा पे सपोर्ट करना है, सपोर्ट उनका करो कि कैसे जो हेल्पफुल हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो लाचार हैं कैसे हम उनकी हेल्प करें, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है कैसे उनकी हम हेल्प करें। एक से दो को जोड़ो, दो से चार जोड़ो, और वहां जोड़ को उनको हेल्प करो। इसका हैशटैग चलाओ, हेल्प वाला हैशटैग चलाओ, अच्छा लगेगा आपको भी, लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये सारी डर जो है एग्जाम कैंसिल कराने की, ये केवल मैं देख रहा हूँ और आप भी गौर किए होंगे कि बच्चों में क्यों आ रही है, बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे में कोरोना डर क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोरोना उनको नहीं पकड़ता? पूछ के आएगा, आप यूपी बोर्ड के हो, आप मध्य प्रदेश बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, आपको नहीं पकड़ेंगे, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आपको ही पकड़ेंगे। ये केवल एक मन में
मैंने कहा ना कुछ मुट्ठी भर लोग ही इस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, जिनकी तैयारी पूरी है आज वो स्ट्रांग है, 5-6 बार डिविजन कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं कब मौका मिले, कब हम युद्ध के मैदान उतरे, अपना कौशल दिखाए, अपना पराक्रम दिखाए। आप भी इस तरह बनो, डरो नहीं, आप अपना बेस्ट दोगे, मैं जानता हूँ। मेरी लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ना ही सब्सक्राइब करना, ना ही शेयर करना, बस एक लाइक करना और एक कमेंट जरूर देना कि आपने कुछ सीखा। आई होप मेरी एक भी बातें आपको समझ में आती हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई। थैंक यू।